सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं कहां जाना है। आज इस एपिसोड में आप देखेंगे रालामंडल, व्हाइट सेंचुरी, जाम गेट और उनके हिस्ट्री से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसमें हम पहले जाएंगे जाम गेट फिर रालामंडल व्हाइट सेंचुरी, क्योंकि आप अगर पहले रालामंडल चले गए तो आप भी कहेंगे और आपका दोस्त भी कहेगा वहां जाना है। सो दोस्तों, इस चैप्टर में हम जाम गेट के रूट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको गूगल मैप का सही उपयोग आता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले जाम गेट जाने के लिए इंदौर के तीनों रूट्स, एबी रोड, रिंग रोड और बाईपास, जो भी आपके नियर बाय हो आप उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये तीनों मुंबई आगरा हाईवे से मिलते हैं। इस हाईवे पे आपको आगे जाकर महू सिटी का डाइवर्जन मिलेगा, उसके साथ आप सिटी में एंटर हो जाएंगे। और प्लीज वेयर हेलमेट, क्योंकि विदाउट हेलमेट तो आपकी हालत, मुझे अपने घर जाना है। और सिटी को पार करके आपको खरगोन इंदौर हाईवे मिले, और इसी हाईवे पर आगे तालान बर्दी गांव का डाइवर्जन है, बस उसी रूट पर जाम गेट स्थित है। जाम गेट के सफर में बहुत ही अमेजिंग सीन्स और कई मॉन्यूमेंट्स, जैसे जाम फोर्ट और माँ पार्वती माता का मंदिर भी है। बस गेट पर जाने के लिए टिकट लेना है और बाजू वाले दरवाजे से ऊपर जाना है, एंड देन यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। इस गेट को 18th सेंचुरी में माँ देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था, और इसका मकसद इंदौर से महेश्वर के रास्ते को सुरक्षित पार करना था। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब तो किसने बोला इधर से आने अरे वहां से है रास्ता, एक ट्रेन लेके आओ
देखो मैं जाके बताता हूँ। सही बोल रहे थे तुम, मेरा ग्रिप नहीं है। यही रास्ता ठीक है, जाओ। हमारी यात्रा यहाँ पे खत्म होती है। एक नए फोर्ट पे हम जाने वाले हैं। चलो चलो ब्रो। क्यों तो तुमको क्या करना? तो क्यों करो, तो अपन को तो इधर से जाना है। और भी चल चल मेरा भाई। इधर क्या है? ओए राइड वन कर दी धोखेबाज। क्या हो गया? क्यों फिसा गया? अगर आप हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स देखना पसंद करते हैं, और ऑब्वियसली करते ही होंगे तभी तो आप जाम गेट पर आए हैं, तो जाम गेट आए हैं तो प्लीज जाम फोर्ट देखना ना भूलें। ये पास ही के गांव में स्थित है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं राला मंडल वाइल्ड सेंचुरी। ये इंदौर बाईपास पर स्थित है। यहाँ
कई सारी जगह है घूमने को और उनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। ये पूरा ट्रैक 2.5 किलोमीटर का है, यानी कि 2.5 किलोमीटर। और इसको जब आप ट्रैक करते हैं तो जो सिटी का अमेजिंग व्यू मिलता है उसका क्या ही कहना। इस सेंचुरी के टॉप पर आपको एक गजीलू देखने को मिलता है जिसकी एंट्री प्राइस 10 रुपए है और यहां पर आपको वॉल्स पर अमेजिंग फैक्ट्स और डेस्टिनेशंस की डिटेल्स मिलती है। और ये 10 रुपए में आपको लाखों की जानकारियां मिलने वाली है, जैसे इंदौर के नियर बाय जितने वाटरफॉल्स हैं, इंदौर के नियर बाय जितने भी घूमने लायक जगह हैं, वो मॉन्यूमेंट्स ही नहीं उनके फैक्ट्स भी आपको साथ ही साथ मिलेंगे और मेरे ख्याल से आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इस सेंचुरी को 1989 में होल्कर्स के द्वारा बनाया गया था जिसे शिकार ग्रह भी कहा जाता था। यहाँ पहले शेर, चीता, ब्लैकबक और डियर जैसी कई प्रजातियां पाई जाती थी और रात को घूमने चले जाओ क्या पता इनमें से कोई आपको आज भी मिल जाए। सो अगर आप इंदौर में रहते हैं और आपकी रेंज सिर्फ बाईपास पर भुट्टा खाने तक नहीं है, उससे और ज्यादा जाकर एक्सप्लोर करने की है, तो ये दोनों ही जगह बारिश के मौसम में एक्सप्लोर करने लायक है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हैं एक्सप्लोरर तो आप बिल्कुल जाएं और आपका कैसा रहा वहां पर तजुर्बा, आपका कैसा रहा वहां पर एक्सपीरियंस, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।